नमस्ते। चलिए आज हम बनाते हैं दही बल्ले, जो हर पार्टी की शान होती है। देखिए कैसे सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। पहले हमें एक कप उड़द दाल को 4 घंटे तक भिगो के रखना होगा। इसे अलग रखकर फिर हम 1/2 लीटर दही लेंगे। इसमें 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। देखिए ये इसे स्मूथ होनी चाहिए। फिर बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ज़्यादा नहीं पानी डालना है, सिर्फ थोड़ा सा। फिर इसमें से 2 टेबलस्पून दही अलग, इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, और इसे भी अच्छी तरह से मिला के इसमें 1 कप पानी डाल के इसका छाछ बना लेंगे। इसमें हम जो हम दही भल्ले तलेंगे इसमें डाल के भिगो के रखेंगे, जो हमने 5 घंटे के लिए उड़द दाल भिगो के रखा था उसे लेकर एक मिक्सर जार में डालेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसका एक स्मूथ बना लेंगे। पेस्ट बनाते वक्त इसमें पानी ना डालें। देखिए हमारा ये पेस्ट रेडी है। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। बाद में हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक ये आटा हल्का ना हो जाए। बीच में इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमारा आटा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये इसे हम टेस्ट करेंगे 2 तरीके से। पहला टेस्ट है, जब हम हाथ में आटा लेकर नीचे डालेंगे तो ये जल्दी से गिरेगा नहीं। और दूसरा टेस्ट है, थोड़ा सा आटा हम पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही आटा जल्दी से ऊपर आना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारा आटा तैयार है। अब हम पानी में अपना हाथ भिगो लेंगे जिससे आटा हमारे हाथ में नहीं लगेगा। फिर एक गोला बनाकर उसको मीडियम आंच के तेल में छोड़ देंगे। ऐसे ही हम भल्ले बनाकर इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना होगा ताकि ये नीचे चिपके ना, नहीं तो ये जल्दी चिपक जाता है। देखिए हमारे भल्ले गोल्डन ब्राउन होकर तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे अलग रखेंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। देखिए हमारे ये भल्ले कैसे बने हैं, मैं दिखाती हूँ। बहुत जालीदार और बहुत सॉफ्ट बने हैं, ऐसे बनने चाहिए। फिर बाद में हमें इसे जो हमने छाछ तैयार करके रखा था उसमें भिगो के रखेंगे 1/2 घंटा। आधे घंटे बाद चलिए अब हम दही भल्ले सर्व करते हैं। जो हमने दही भल्ले भिगो के रखे थे उसमें से पानी निचोड़ के एक सर्विंग प्लेट में डाल रखेंगे। फिर इसके ऊपर जो हमने फेंटा हुआ दही था उसे डालेंगे। इसमें इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे। फिर मीठी चटनी डालेंगे। हरी चटनी और मीठी चटनी का लिंक मैं ऊपर लिंक में दे दूंगी, इसे भी जाकर देखिए। बाउल में 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इस मिक्सचर को हम दही भल्ले के ऊपर
डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। दही भल्ले को ठंडा ठंडा ही सर्व करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए दही भल्ले कैसे सॉफ्ट बनाए बने हैं, मैं दिखाती हूँ। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसे बने थे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।